बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन द फर्स्ट टू लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स। वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, व्हाई वी नीड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ऑल थिंग्स। इन आवर सेकेंड लेक्चर we discussed about the authentication, different authentication method. Now in this lecture we discuss about the different protection models and security models, okay, how we secure our system and which kind of the attacks harmful for our system. So first of all, look at this picture. These are the securing components. हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कुछ बहुत सारे सिक्योरिटी, जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह, हम ऑथेंटिकेशन करते हैं अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। अब इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को देखते हुए इसमें डिफरेंट सिक्योरिंग कंपोनेंट्स हैं। किस तरह हमारा डाटा सिक्योर होता है, किस तरह हम अपने डाटा को सेंड करते हैं और वो सिक्योर होता है, सिक्योरिंग कंपोनेंट्स में कौन होते हैं और कहाँ पे हमारा डाटा जो होता है वो स्टील होता है, कहाँ पे हमारा डाटा जो है हैक होता है। इस पिक्चर में देखें, सबसे पहले हैकर यूजिंग अ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ऑफ अटैक। अटैक करने के लिए हैकर जब करता है तो इसमें क्या है, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजता है। ये बीच में देखें इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। जो हैकर है रिक्वेस्ट भेजता है रिमोट सिस्टम डेट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एन अटैक, कि हमारा जो जिस चीज़ पे उसने अटैक करना है, जिस चीज़ पे उसने हैक करना है, वो चीज़ पे, उस चीज़ को, जिस चीज़ को उसने हैक करना है उस पे वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। जो मीडियम है हमारी हैकिंग का, उसमें मीडियम देखें क्या चीज़ है, इंटरनेट है। इंटरनेट इज़ अ मीडियम वेयर हैकर हैक द थिंग्स, ठीक है। अगर इंटरनेट ना हो तो हम जो चीज़ें हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर सकते, तो हमारा डाटा हैक भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम अपनी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू चीज़ें एक दूसरे को भेजेंगे, ईमेल करेंगे, जो भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसमें हैकिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमारी सिक्योरिंग कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा जो सिक्योर थिंग होनी चाहिए वो इंटरनेट है। जो हमारा इंटरनेट है उस पे उसकी जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट पैकेट्स जा रहे होते हैं, वहाँ से हैकर जो है डाटा हैक करता है और चीज़ों को सेंड करता है, ठीक है। अगर हम बाय हैंड किसी को दें तो उससे कोई चीज़ चोरी होने का खदशा होता है नहीं। तो हमारी जो सबसे मेन थिंग है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वो है ही इंटरनेट। जो चीज़ हमारी इंटरनेट पे आ गई, आपने चाहे लाख दफ़ा डिलीट कर दी है, वो आपकी पब्लिक हो गई। ये बात आप ज़्यादा सम टाइम आप फिर पिक्चर लगाते हो, एक दफ़ा जो चीज़ इंटरनेट पे चली गई, डिजिटल थिंग जो होती है ना, वो कभी भी रिलायबल नहीं होती। ये मैं आपको बता दूँ, आपका जो कंप्यूटर है, आप अपनी हार्ड ड्राइव, समटाइम आपने कंप्यूटर सेल किया, ये आपके लिए एक टिप्स हैं कि जब भी आप अपना कंप्यूटर सेल करो या कुछ भी करो, लैपटॉप सेल करो, तो कभी भी आप अपने लैपटॉप का हार्ड ड्राइव सेल नहीं करो। उसकी रीज़न क्या है, उसकी मेन रीज़न ये है कि आपका जो डाटा होता है हार्ड ड्राइव में, वो हमेशा सेव रहता है। आप चाहे डिलीट कर भी दो, वो कई साल सेव रहेगा अंदर, ठीक है। तो उसके बेसिक रीज़न, उसकी जो सबसे ज़्यादा वो ये, उसको अपने डाटा को सेव रखने का है कि आप कभी भी अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव ना सेल करो, कोई भी आपकी हार्ड ड्राइव को कभी भी एक्सेस कर सकता है, इस वजह से कि क्योंकि वो डिजिटल है। तो ये चीज़ ये है कि जो चीज़ एक दफ़ा डिजिटल हो गई, जो चीज़ डिजिटल इंटरनेट पर चली गई, या जो भी डिजिटल थिंग्स हैं, वो कभी भी रिलायबल या सिक्योर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी दुनिया और होल वर्ल्ड रिलायबल ऑन द डिजिटल थिंग्स, ऑन द इंटरनेट। हमारा सारा कुछ ही इंटरनेट पे डिपेंड है। डेट्स वाई, क्योंकि
हमारा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इस वजह से हमारा जो मीडियम है इंटरनेट, वो सबसे वो होना चाहिए, सबसे सिक्योर होना चाहिए, ताकि जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो हमारा सबसे सिक्योर हो। नेक्स्ट देखें, अटैक्स, विच काइंड ऑफ अटैक जो होते हैं, अब हमारे किस टाइप के अटैक्स हैं जो हम हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, किस टाइप के अटैक्स हैं जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं कि ये क्या है। अभी देखें, एनी एक्शन डेट कंप्राइजेज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्शन जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन कर रही होती है, ठीक है। अब इसमें जब भी कोई अटैक हो रहा होता है, उसमें कोई डायरेक्ट अटैक भी हो रहा होगा, कोई इनडायरेक्ट अटैक भी हो रहा होगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट अटैक होगा कि आपने कोई चीज़ डायरेक्टली एक्सेस करनी है, लेट्स सपोज आपको कोई, लेट्स सपोज मेरे पास ये बुक्स हैं तीन, तो आपको इन तीन बुक्स में से ये बुक चाहिए, आप डायरेक्टली मेरे पास आते हो और मुझसे ये बुक ले लेते हो, दिस इज़ अ डायरेक्टली अटैक। और इनडायरेक्टली अटैक ये होगा कि आप किसी और मीडियम के थ्रू इस बुक को एक्सेस करो, डायरेक्ट मेरे पास आके इस बुक को एक्सेस ना करो, लेकिन किसी और मीडियम के थ्रू आप इसको एक्सेस कर लो, दिस इज़ द डायरेक्ट इनडायरेक्टली अटैक। अब देखें डेफिनेशन, अ डायरेक्ट अटैक एम डायरेक्टली एट द डिज़ायर पार्ट ऑफ द डाटा और रिसोर्सेज, कि आप डायरेक्टली, आपका जो एम होता है, आपकी जो डिज़ायर होती है, आप उस डाटा को डायरेक्टली रिसोर्स कर रहे होते हो। इनडायरेक्टली में क्या है, इन एन इनडायरेक्ट अटैक इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम और अबाउट द डिज़ायर डाटा रिसोर्सेज विदाउट डायरेक्टली अटैकिंग डैट रिसोर्स, कि आपको वही डाटा, वही चीज़ें कुछ और रिसोर्सेज से मिल रही हो, जैसे आपने किसी और चीज़ को एक्सेस किया, ठीक है, आपको वहाँ से भी वो चीज़ मिल गई। लेट्स सपोज कि कुछ चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे पड़ी होती हैं, आपके कंप्यूटर में जो चीज़ डेस्कटॉप पे एक्सेस होती है वो आपकी सी ड्राइव में सेव हो रही होती है, तो आपको, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप से वो चीज़ नहीं लेते, आप सी ड्राइव में जाके वहाँ से डेस्कटॉप की ऑप्शन खोल के आप वहाँ से चीज़ें ले लेते हो, तो आपने वो चीज़ भी ले ली लेकिन इनडायरेक्ट एक्सेस किया। ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, थोड़ी सी जो रेलेवेंट आपको समझाने के लिए, कि आपको समझ आ जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक क्या है, ठीक है। तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स, के टाइप नहीं कहेंगे इसको, कि अटैक की सिक्योरिटी किस तरह अटैक हो सकते हैं, डायरेक्ट अटैक है, इनडायरेक्ट अटैक है, क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अटैक, हमारी कौन कौन सी टाइप्स हैं अटैक की, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अटैक, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। अब देखिए पैसिव अटैक क्या है, पैसिव अटैक आर मेड बाय मॉनिटरिंग अ सिस्टम परफॉर्मिंग इट्स टास्क एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कोई भी सिस्टम को हम मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, इसके टास्क को परफॉर्म करें और सारी इंफॉर्मेशन ले लें, यानी किसी सिस्टम को मॉनिटर करके, उसके टास्क परफॉर्म करके हमने सिस्टम पे होल्ड किया हो और उस वहाँ से इंफॉर्मेशन लें। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट पैसिव अटैक, इसलिए इसको बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना कि इस पर अटैक हुआ भी है कि नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सिस्टम का हैंडल किसी और के हाथ में होगा और वो सारे फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होगा, तो आपको ये डिटेक्ट करना, ये रियलाइज़ होना बहुत मुश्किल होगा कि आपके सिस्टम पे अटैक हुआ है। सिंस दे डू नॉट डिस्टर्ब और इंटरेक्ट नॉर्मल कंप्यूटर, कि अगर आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो किसी भी आपके फंक्शन को या उसकी डिस्टर्बेंस को, या उसकी किसी भी फंक्शन को डिस्टर्ब ना करे, या कोई भी इंटरेक्शन ना करे आपकी किसी भी फंक्शन पर परफॉर्म होने में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में कोई अटैक हुआ है, क्योंकि जिस तरह आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को हैंडल कर रहे हो, तो अगर कोई और इसको मॉनिटर कर रहा है वो सेम लाइक आपकी तरह सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, सारे टास्क उसे परफॉर्म हो रहे हैं और वहाँ से कलेक्शन इंफॉर्मेशन जो है स्टील हो जाती है, तो आप कभी भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इस सिस्टम को किसी और ने भी एक्सेस किया था, ठीक है। लाइक CPU एंड डिस्क यूसेज, अब देखें कि आपके पास डिस्क है, ठीक है, उसको किसी और ने अगर यूज़ किया तो आपको कैसे पता चलेगा किसी और ने यूज़ किया, नहीं पता। मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, किसी भी जितना भी आपका नेटवर्क ट्रैफिक है, ठीक है, वैसे भी अगर फंक्शन परफॉर्म किए जाए और वहाँ से उसको कोई एक्सेस कर ले और सारी इंफॉर्मेशन ले ले, तो आप नहीं ये डिटेक्ट कर सकते कि किस तरह ये इस पे अटैक हुआ है कि नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है, ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ का नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है एक्टिव अटैक,
एक्टिव अटैक कौन से होते हैं? एन एक्टिव अटैक चेंजेस द सिस्टम बिहेवियर इन सम वे। जो एक्टिव अटैक होते हैं वो सिस्टम के बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट न्यू डाटा, मॉडिफाई, अपडेट, डिलीट डाटा इन डाटा। अब लेट्स सपोज आपने डाटाबेस का कोर्स पढ़ा होगा। जब आपने डाटाबेस का कोर्स अगर पढ़ा हो तो डेटाबेस जब आप क्रिएट करते हैं उसमें कुछ टेबल्स आप अपडेट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, उसको मॉडिफाई भी करते हैं। जब ये चेंजिंग्स होती हैं तो आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि आपकी डेटाबेस में चेंजिंग्स आई हैं। दिस इज़ द एक्टिव अटैक, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव अटैक। कि लेट्स सपोज कि आपके सिस्टम के बिहेवियर को कोई चेंज कर रहा है, उसमें जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कोई चेंज कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ कर रहा है, उसको कोई डिलीट कर रहा है कोई फंक्शन को, ये जो चीज़ें होती हैं वो है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक जो है वो इजीली डिटेक्ट कर, ऑब्वियसली अगर आपके सिस्टम में थोड़ी सी भी माइनर चेंजिंग होगी आप डिटेक्ट कर लेंगे, यस ये जो था ये मैंने नहीं किया तो ये कैसे चेंज हुआ, ठीक है। इस वजह से एक्टिव अटैक को जो डिटेक्ट करना है वो इजी है रेदर देन पैसिव अटैक, क्योंकि पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक में दोनों में डिफरेंस यही है कि जो पैसिव अटैक है वो कंप्यूटर के बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा होता, वो सेम लाइक वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है जिस तरह एक्टिव अटैक परफॉर्म करता है। इस वजह से सॉरी जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक्टिव अटैक में आप कंप्यूटर के बिहेवियर को, आप सिस्टम के बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हो, ठीक है, उसमें कोई चीज़ चेंज कर रहे हो तो इस वजह से आपको पता चल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ अटैक। अटैक्स में कभी सम काइंड ऑफ अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस कर लो, इट्स मीन कि अटैक हुआ है, तो अगर तो आपको कोई चीज़ बगैर किसी चेंज किए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप करते हो पैसिव अटैक। कि लेट्स सपोज कि मेरा काम भी हो रहा है, इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इट्स मीन कि आप पैसिव अटैक कर रहे हो ताकि यूज़र को पता ही ना चले कि उसका अटैक हुआ है और वो अपनी सिक्योरिटी वगैरह का कोई सिस्टम जनरेट करे। एक्टिव अटैक का को आपको सिर्फ तब करने की ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोई चीज़ मॉडिफाई करनी लाजमी हो, ठीक है, आपने किसी काम में इंटरप्शन क्रिएट करनी हो, ठीक है, किसी सिस्टम में इंटरप्शन क्रिएट करनी होती है तब आप एक्टिव अटैक करते हैं। अदरवाइज पैसिव अटैक जो है वो बेस्ट अटैक है, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट सिक्योरिटी मॉडल। सिक्योरिटी मॉडल क्या है? सबसे पहले अगर आपको सेंड मैसेज करते हैं, ये आपको सिक्योरिटी मॉडल है किस तरह आप पे अटैक्स होते हैं और किस तरह आपका सिक्योरिटी मॉडल काम करता है, मॉडल क्या है आपकी सिक्योरिटी का। सबसे पहले आप मैसेज सेंड करते हो, जो सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटी सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट आपका इन्फॉर्मेशन, आपने कोई भी अगर मैसेज भेजा है, इसके डिफरेंट मैकेनिज्म भी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करना शुरू करेंगे इसके मैकेनिज्म। आज थोड़ा सा इन मैकेनिज्म का मैं ओवरव्यू भी दूंगी आपको। तो उससे सिक्योर मैसेज आपका जाता है, ये आगे है इन्फॉर्मेशन चैनल। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो चैनल होता है ये क्या है, इंटरनेट। यहाँ पे थर्ड जो पार्टी होती है आपके इंटरप्ट करती है, यहाँ पे अटैक करती है इन्फॉर्मेशन चैनल में। अगर तो यहाँ पे अटैक ना हुआ तो आपका सिक्योर मैसेज आगे जाएगा और वो आगे जाके सिक्योरिटी रिलेटिव दोबारा से ट्रांसमिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन पता क्या है, जब आप कोई सीक्रेट मैसेज भेजते हैं तो वो पहले इंक्रिप्शन होती है, इंक्रिप्शन होकर दोबारा नेक्स्ट में जब सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसमिशन वहाँ पे डिक्रिप्ट होता है, वही जो मैसेज आपने सेंड किया होता है वो इंक्रिप्टेड मैसेज में दोबारा से डिक्रिप्ट होता है और आपके जिसको आप भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे रिसेप्शन तक मिल जाता है, ठीक है। अब अगर इंटरनेट के थ्रू किसी को थर्ड पार्टी जो ओपन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब कर रही होती है, यहाँ पे हैक होता है, अगर नहीं होता तो आपका मैसेज ईजिली जा सकता है आगे। इंक्रिप्शन ये होती है कि लेट्स सपोज कि आपने किसी को हो आर यू का मैसेज भेजा, हो आर यू को आपने इनक्रिप्ट किया है किसी और वर्डिंग में, किसी और में, लेट्स सपोज हो आर यू में आपने 5, 2, 3 ये तीन वर्ड्स भेज दिए, वो हो आर यू को रिप्रेजेंट करें, इनक्रिप्शन, और साथ की भेज दिया। अब जो क्या होगा कि जिसको मैसेज मिलना है वो दोबारा से डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, अपने उन 5, 3, 2 जो नंबर्स होंगे उनको दोबारा से हो आर यू में, ताकि डिक्रिप्शन से वो दोबारा 5, 3, 2 नंबर्स हो आर यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो समझ जाएगा कि यस ये मैसेज है। इस दरमियान में जो मीडियम है वो 5, 3, 2 जो वर्ड्स होंगे, अगर कोई हैक कर भी लेगा तो इसमें किसी को पता नहीं चल सकेगा कि ये वर्ड्स क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली असल मैसेज क्या था, हो आर यू। दिस इज़ अ सिक्योरिटी मॉडल कि किस तरह हम सिक्योरिटी भेज सिक्योरिटी अपना सिक्योरिटी से मैसेज सेंड करते हैं।
इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसके अलावा डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स मैकेनिज्म हैं जिससे हम सिक्योरिटी मॉडल्स बनाते हैं। अब ये देखें, इसमें भी इसी डायग्राम को गौर से देखें, आपको समझ आ रही होगी कि हमारा फर्स्ट स्टेप के हमने मैसेज सेंडर जो है और एंड पे है रिसीवर, ये दो हैं, इनके दरमियान में जो मीडियम्स हैं वो क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। लेट्स सपोज के मैंने बताया कि आपको इनक्रिप्ट किया है, आगे वो सिक्योर मैसेज जा रहा है, दरमियान में इन्फॉर्मेशन चैनल है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन चैनल मीन्स इंटरनेट है जिसके थ्रू आप, मीडियम है जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आगे सिक्योर मैसेज है, सिक्योर मैसेज में दोबारा से वो सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी वो जो इनक्रिप्शन मैसेज होता है वो दोबारा से डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। डिक्रिप्ट के बाद वो क्या होता है, अपने रिसीवर को मिलता है, सेंडर ने जिसको रिसीवर को किया होता है रिसीवर से, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है वो सेंडर पे भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट डिस्टर्ब कर सकती है और रिसीवर पे भी कर सकती है और इंटरनेट पे भी कर सकती है। अटैक जो है कहीं भी हो सकते हैं, ये आपको, ये डिपेंड करता है हैकर का और उसकी यूटिलाइजेशन पे कि वो कौन से सोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है और किस तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हैक कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोटेक्शन मॉडल होते हैं जो हमने देखने होते हैं कि किस तरह हम अपने डेटा को सिक्योरली सेंडर से रिसीवर तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल। जी, एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल में क्या है बेटा, अब ये देखें, एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ये देखें कि थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन चैनल में ओपोनेंट जो है वो भेजते हैं हमें, हमारे इन्फॉर्मेशन को अटैक करते हैं। अब ये देखें, एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल में ओपोनेंट कोई ह्यूमन होगा या कोई सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं ना, किसी का डाटा हैक कर सकते हैं, किसी के कंप्यूटर को इंटरप्ट कर सकते हैं, वायरस वगैरह जैसे हमारे कंप्यूटर को हैक कर देते हैं, ये वायरस हमारे कंप्यूटर को इंटरप्ट करते हैं। तो वो जो ओपोनेंट होगा, जो भी अटैक करेगा, वो या तो ह्यूमन होगा, इंसान जो खुद हैक हो, हैकर कर रहा हो, हैकिंग कर रहा होगा, या कोई सॉफ्टवेयर होगा जैसे वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, कोई भी चीज़, वो कैसे एक्सेस चैनल से क्या करेगा। अब ये गेट कीपर फंक्शन क्या है, जो हमारा सिक्योरिटी होगी, ठीक है, जो हमने सिक्योरिटी के लिए फंक्शन या मैकेनिज्म यूज़ किया होगा, ठीक है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा, कोई भी डाटा प्रोसेसर या सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर, ये सारे हमारे रिसोर्सेज है ना, ये तीन सोर्सेज हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट फंक्शन में डाटा होगा, प्रोसेसिज होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे, और इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल भी होगा हमारे सिस्टम में, कि जिस तरह हम कोई पासवर्ड वगैरह लगा देंगे, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा वो एक्सेस करेगा इन चीज़ों को, ठीक है, जो भी हैकर होगा, या तो वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हैक करेगा कि इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिव अटैक की वो है, और जो ह्यूमन है वो भी जो ह्यूमन है वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, वो विदाउट इंटरप्शन या विदाउट डिस्टर्बेंस किस एनी थिंग इन द कंप्यूटर गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज़र, किसी को इंफॉर्मेशन यूज ले सकता है। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर सकता है, या तो आपके कंप्यूटर को वायरस से तबाह कर देगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन ज़ाया कर देगा, ठीक है, या वो उस वायरस के थ्रू आपकी सिस्टम को का सारा जो हैंडल है, सिस्टम का कंट्रोल है, वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसी में यही चीज़ें इसमें हो सकती हैं ना। तो अब इसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सेस, कुछ थ्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डाटा को मॉडिफाई करना चाहते होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर्स, ठीक है, हु शुड नॉट हैव एक्सेस दैट डाटा, जो कि जिसको ये डाटा की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेस करके इन चीज़ों का आपकी इन्फॉर्मेशन में मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सर्विस थ्रेट भी हो सकती हैं, एक्सप्लॉइट सर्विस आपकी कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट कर सकता है, जैसे वायरस वगैरह है, ठीक है, आपके यूज़र की सारी मेहनत को ज़ाया कर सकता है, जो भी आपने चीज़ें बनाई होती हैं, ठीक है। जो वायरसेस एंड वॉर्म्स जो हैं, ये है टू एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर अटैक्स, ये वायरस एंड वॉर्म जो हैं सॉफ्टवेयर अटैक्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इस टाइप के जो अटैक्स हैं वो इंट्रोड्यूस क्या करवाते हैं, सिस्टम इनटू सिस्टम बाय मीन्स ऑफ डिस्क दैट कंटेन्स द अनवांटेड लॉजिक कंसील्ड इन
अदरवाइज यूजफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की डिस्क के थ्रू या यूएसबी के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी के सॉफ्टवेयर को या तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं या उसका कंट्रोल हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है, इसलिए हमें ये कोई जो इंसान है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं भी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जिसको एक्सेस नहीं होना चाहिए वो एक्सेस हासिल कर सकता है, ठीक है। दीज आर द सिक्योरिटी एक्सेस मॉडल्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपकी चीज़ों पे हैकिंग हो सकती है, अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जो अटैक्स हैं इसी से आपकी इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है वो स्टील हो सकती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन। अब ये टू टाइप्स की सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोटेक्शन हैं, एक तो नॉन स्पेसिफिक हैं और कुछ स्पेसिफिक हैं। जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म हैं उनको हम डिटेल में, कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म में, ठीक है। नॉन सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी हैं, उसमें जो डिस्कस करेंगे ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी लेबल, इवेंट डिटेक्शन, सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल एंड सिक्योरिटी रिकवरी। अब सबसे पहले ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी, ये क्या है, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं जैसे कि किसी सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी कुछ ऐसे फंक्शंस बनाते हैं जो कि सिक्योरिटी परफॉर्म करते हैं, सिक्योरिटी की इस्टेब्लिश सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, ठीक है। करेक्ट वे में सम क्राइटेरिया हम सेट करते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि ये क्राइटेरिया है, ये पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने सिस्टम को लेकर चलना है ताकि हम सिक्योर रहें, इसमें ये सिस्टम है। सेकंड है सिक्योरिटी लेबल। सिक्योरिटी लेबल में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ बाउंड्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको कुछ नेम्स दिए जाते हैं ताकि हम कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस करते हैं ताकि उन रिसोर्सेज के थ्रू हम बाउंडिंग कर सकें कि इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने अपना काम करना है, और उन रिसोर्सेज को, वो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो सिक्योरिटीफुल होते हैं, उनको हैकिंग का खदशा नहीं होता, इसके अलावा हम कोई और चीज़ या कोई और चीज़ यूज़ ना करें, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ सिक्योरिटी एट्रीब्यूट डेजिग्नेट कर रहे होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करती है, जैसे सिक्योरिटी लेबल से हमने लेबल लगा दी, हमने बाउंड कर दिया कि हमने सिर्फ यही रिसोर्सेज अपने सिस्टम में यूज़ करने हैं, इसके अलावा हम कोई और जो है रिसोर्सेज अपने सिस्टम में यूज़ नहीं करेंगे, अगर कोई और रिसोर्सेज सिस्टम में यूज़ करेंगे तो हमारे सिस्टम को हैक होने का या अटैक होने का खदशा होगा, ठीक है। थर्ड है इवेंट डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी रेलिवेंट इवेंट्स, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रेलिवेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना, हमने इवेंट डिटेक्शन लगा दिया कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी वाले इवेंट्स हैं उन्हीं को डिटेक्ट करना है, उन्हीं को यूज़ करना है, इसके अलावा हमने कोई और यूज़ नहीं करनी। आगे सिक्योरिटी ऑडिट ट्रायल, इसमें क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हीं डाटा की हमने पोटेंशियली उसको यूज़ करके फैसिलिटेट करते हैं कि यही इंडिपेंडेंट रहे, और उसी को एग्जामिन करते रहते हैं डाटा को, और उसी सिस्टम को हमने रिकवर करते हैं रिकॉर्ड्स और उसी की एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसी को फैसिलिटेट करना है, उसी को दोबारा से हमने रिव्यू करते रहना है, एग्जामिन करते रहना है जो हमने सिस्टम रिकॉर्ड किया होता है और उसकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने एक सिस्टम जनरेट किया, आपने रिकॉर्ड कर ली उसकी सारी सिस्टम की एक्टिविटीज़ को, ठीक है, अब उन्हीं को आपने बार बार एग्जामिन और रिव्यू करते रहना है कि इसमें कोई चेंज तो नहीं आया, ठीक है, इसमें इसी को फैसिलिटेट, उसकी सिक्योरिटी ऑडिट को फैसिलिटेट करते रहना। जब हम उसी को चीज़ को बार बार एग्जामिन करते रहेंगे तो हम अनसिक्योर नहीं होंगे, सिक्योरिटी ही वो हमारे लिए अनसिक्योर नहीं होगा, वो हमारे लिए सिक्योरफुल होगा। आगे सिक्योरिटी रिकवरी, सिक्योरिटी रिकवरी में क्या होगा कि हम कुछ मैकेनिज्म यूज़ करेंगे जो कि हमारे फंक्शंस को मैनेज कर सकेंगे, अगर हमारे पास कोई एक्शन हैक हो गया तो वो हमारे बार बार रिकवर करता रहे, लेट्स सपोज अगर अटैक हुआ तो बार बार रिकवर करता रहे, वो अटैक को सक्सेसफुल ना होने दे,
इसको कहते हैं सिक्योरिटी रिकवरी, वो बार बार रिक्वेस्ट करे अटैक की लेकिन ये रिकवर करता रहे। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ नॉन सिक्योर नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस हैं। ये हमारी प्रोटेक्शन की नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिससे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे हैं स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक हैं। इनमें क्या है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म में इंसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग, राउटिंग एक्सेस, नोटराइजेशन। इनको हम वन बाय वन, इन पे पूरा पूरा एक टॉपिक होगा, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा वो इंसाइफरमेंट, जिसमें ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होगी जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में देती हूँ कि ये होती क्या है। इंसाइफरमेंट में क्या है कि कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ करते हैं हम डेटा को रिलायबल करने के लिए, इंटेंजिबल करने के लिए, ठीक है, ताकि वो नॉट रेडिली इंटेंजिबल हो, ठीक है, ताकि वो रिलायबल रहे। कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसकी रिकवरी के लिए उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। और उनमें क्या होती हैं, डिफरेंट इंक्रिप्शन कीज़ होती हैं, कुछ प्राइवेट कीज़ होती हैं, कुछ पब्लिश कीज़ होती हैं, जैसे कि हम मैंने आपको आगे आगे एग्जांपल भी दी थी किस तरह मैसेज सेंड करते हैं, वो इंक्रिप्ट होता है फिर डिक्रिप्ट होता है। ये सारे सिस्टम इसमें हैं, इसकी हम नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंक्रिप्शन पे ही है, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में जो होता है क्रिप्टोग्राफी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसमें डाटा हम अलाउ करते हैं रिसेप्शन को कि हमें प्रूफ दो, कोई मैसेज हमने सेंड किया, कोई डाटा सेंड किया है, प्रूफ दें सोर्स को, ताकि हम डाटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी फोर्जरी या किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी भी। इसका भी हमारा एक पूरा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे ये कौन सा मैकेनिज्म है। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। ये जो है डिफरेंट वराइटीज ऑफ मैकेनिज्म है जिसमें हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि राइट पर्सन को एक्सेस हो, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सिर्फ राइट पर्सन को ही एक्सेस हो, अदरवाइज किसी को एक्सेस ना हो। ये भी एक्सेस कंट्रोल का हमारा लेक्चर अभी एक पूरा है। उसके बाद है डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी में हमने इंटेग्रिटी का पढ़ा था पहले। डेटा इंटेग्रिटी में क्या होता है कि ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जिसमें हम ये अश्योर करते हैं कि डेटा की इंटेग्रिटी या हमारा डेटा स्ट्रीम यूनिट्स हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रीम यूनिट्स हैं वो राइट पर्सन के पास हैं, ये अश्योरिटी होती है डेटा इंटेग्रिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन चेंज, जिसमें आइडेंटिटी, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन का पूरा लेक्चर पढ़ा था अभी, किस तरह हम आइडेंटिटी अश्योर करते हैं किसी की, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट ऑथेंटिकेशन से। आगे है ट्रैफिक पैडिंग। इसमें क्या है, डिफरेंट कोई किसी भी डेटा स्ट्रीम को डेटा भेजने के लिए हम कुछ ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कुछ बिट्स का गैप देते हैं, कुछ डेटा पहले भेज दिया वो सिक्योरली अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो उसमें क्या करेंगे, फिर कुछ देर बाद थोड़ा सा गैप दे के फिर डाटा भेजेंगे, एक साथ सारा डाटा नहीं भेजेंगे। दीज आर द ट्रैफिक पैडिंग। आगे है राउटिंग कंट्रोल। इसमें है इनेबल सिलेक्शन ऑफ पर्टिकल फिजिकली सिक्योर रूट्स, ठीक है, पर्टिकल फिजिकली सिक्योर रूट्स, जो हमारे पास खास पर्टिकल रूट्स बने हैं सिर्फ उन्हीं रूट्स को अलाउ करेंगे हम, ताकि वो यहाँ जहाँ से हमारा डाटा जा रहा है वो किसी और के कंट्रोल में ना हो और हमारे कंट्रोल में रहे, ठीक है। नेक्स्ट है नोटराइजेशन। इसमें क्या है, यूज ऑफ थर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, किसी और थर्ड पार्टी को ट्रस्टेड जो हो यूज़ करना टू अश्योर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा एक्सचेंज, कि हमने अगर डाटा एक्सचेंज करना है तो हमने किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को यूज़ करना है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इंटरनेट या कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना सिक्योरली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट
मैकेनिज्म्स ऑफ द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, इनको समझना और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनको किस तरह से हमने करना है, इनके आगे जो नॉन स्पेसिफिक हमारे मैकेनिज्म्स हैं इनको हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह ये यूज़ हो रहे हैं हमारी, किस तरह हम एल्गोरिदम्स इन पर रन कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ये जो आज का लेक्चर था डिफरेंट अटैक्स और हमारी सिक्योरिटी मॉडल्स पे था, आपने इनको पढ़ना है और ख़ास तौर पे बुक स्टडी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। बुक स्टडी में आपको मैंने आपके बुक का नेम भी बताया था, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बाय विलियम स्टॉलिंग्स, ठीक है। आपने इस बुक को, इसके अलावा भी आर्ट एंड सिक्योरिटी नेटवर्क की एक और बुक है, आपने इन बुक्स को यूज़ करते हुए साथ साथ बुक रीडिंग करनी है ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो सकें, ठीक है, और साथ साथ इन हैंड आउट्स को भी पढ़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।